नमस्कार, मेरा नाम है जय कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और अभी मैं मौजूद हूँ शिवसागर में, शिवसागर की सर्विस रोड पर, जहाँ से लोग पहले आते जाते थे। इसी रास्ते से होकर लोग बाज़ार और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब जो लोग हैं वो मजबूर हैं स्कूल पर जाने के लिए। बगल में NH2 सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, जो लोग उस पर मजबूर हैं कि चढ़कर जाएं, क्योंकि यहाँ देखिए आप भीषण जल जमाव है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की जब चौड़ीकरण किया जा रहा था उस समय अधिकारियों द्वारा मकान को गिराया गया। गिराने के बाद जो यहाँ के नाला है, नाला पूरा तरह से भर गया। भरने के बाद जो पानी का निकासी है वो पूरी तरह से बंद हो गया और यहाँ जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। ये जो सर्विस रोड है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बाज़ार करने या हॉस्पिटल, अभी बगल में प्रखंड मुख्यालय है वहाँ जाते थे लोग, लेकिन अब उनका आवागमन है जो बंद हो चुका है। सड़क पर चढ़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं लोग यहाँ के। आइए हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग से, क्या कहते हैं। कितने दिनों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है? ये करीब 3 वर्षों से ये शिवसागर का नारकीय स्थिति है। पानी का निकासी बंद हो गया है और वैकल्पिक व्यवस्था में लोग नाली बनाकर निकालते थे रोड के किनारे से, लेकिन आज वो भी बंद हो गया है और ये पानी जो है कि रोड पर जो है अब बहने को मजबूर है। और इस सर्विस रोड से हम लोग जा नहीं पाते हैं। आगे में विद्यालय है, अस्पताल है, ब्लॉक है, काली मंदिर है, सारा जो है कि इधर लोगों का काम है और लोग मजबूरी में आप देख सकते हैं रोड से जो है कि चढ़कर NH2 पर चढ़ के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। केवल हम लोग जब भी इसके बारे में CO के पास गए, अप्लीकेशन दिए, तो एक बार तो CO साहब ने ये कहा कि हम अप्लीकेशन नहीं लेंगे ये, क्योंकि ये NHI का नाला बनाया हुआ है। क्यों, लेने से इनकार कर दिए? हाँ, लेने से इनकार कर दिए कि NHI का नाला बनाया हुआ है, ये समस्या NHI के पास आप लोग जाइए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग NHI के पास मतलब जाएं क्या करें। और CO के पास और भी आवेदन दे दिए जा चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के पास ये है कि ये NH2 पर जो है कि लोग जो चढ़ के जा रहे हैं, अगर आए दिन किसी दिन एक्सीडेंट हो गया इसके कारण, तो उस दिन हम लोग ये नहीं पूछेंगे कि ये काम CO का है, NHI का है, थाना का है या ब्लॉक का है। क्यों आखिर लोग क्यों मजबूर हैं सड़कों पर चढ़ के जाने के लिए? अब तो यहाँ पर कहा जाएगा कि कोई भी प्रशासन शासन के द्वारा जो है कि आवेदन देने के बाद भी कोई सफाई नहीं हो रहा है, नाली का सही पानी निकासी नहीं हो रहा है और हम लोग तो यहाँ पर मजबूर रह रहे हैं। केवल इस आस में रह रहे हैं कि लोग बोल रहा है कि NHI वाला पुनः रोड बनाने, जो 6 लेन का निर्माण करेगा उसमें नया नाला बनाएगा, लेकिन नया नाला बनने से पहले तक भी अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी? क्या घटना की आशंका बनी रहती है क्या हमेशा? एकदम आशंका बनी रहती है। आए दिन मतलब 2-3 बच्चों को जो है कि मोटरसाइकिल से मतलब एक्सीडेंट हो चुका है। अच्छा, मान लीजिए हल्का फुल्का ही चोट लगा, लेकिन किसी दिन भयंकर दुर्घटना का इंतजार हम लोग नहीं ना करेंगे। अगर हो जाती है तब तो उस दिन पूछा जाएगा और एक प्रकार की खुली चेतावनी है हमारी कि जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम प्रशासन से पूछेंगे और हो सकता है कि जो लाठी चार्ज वो लोग कराते हैं वो लाठी हम भी चलाएं उन लोगों पर। प्रशासन को इस बारे में एप्लीकेशन दिया गया? दिया गया है, CO साहब के पास 2-3 लोगों के द्वारा दिया गया। क्या बोले CO? एक बार तो हम लोग गए थे देने के लिए तो बोले कि हमारा काम नहीं है, NHI का है, एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिए। दूसरे बार में और लोग 2 लोग और दिए हैं तो उनका शायद एप्लीकेशन लिए, लेकिन लेने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जल जमाव का मुख्य कारण क्या है? जल जमाव का मुख्य कारण है ये जो आप सर्विस रोड देख रहे हैं, ब्लॉक मुख्यालय से दक्षिण दिशा में जो NH2 हाईवे बना है, इस सर्विस रोड पर जो मकान को तोड़ा गया उसका मलबा जमा हो गया और उसका मलबा जमा होने के कारण नाली भी ध्वस्त हो गई। यही मुख्य कारण है जल जमाव का। कितने दिनों से जल जमाव की समस्या बनी है? तकरीबन 3 से 4 साल। 3 से 4 साल। तो क्या इस पर किसी प्रशासन या अधिकारी को आवेदन दिया गया था? आवेदन किया गया है, मैं खुद रूलिंग पार्टी का पर्सन हूँ,
शिवसागर प्रेसिडेंट हूँ अकलियत सेल का। हमने स्वयं एक लिखित आवेदन अंचलाधिकारी महोदय को दिया। क्या उन्होंने कुछ इस बात आपसे बोले? उन्होंने कहा कि ठीक है, ये काम तो मेरा नहीं है, एनएच विभाग का है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप एनएच विभाग को मेरा आवेदन फॉरवर्ड किया जाए। तकरीबन 13-14 दिन बीतने के बाद मैंने स्वयं फिर एनएचआई ससाराम को आवेदन किया। उसका रिसीविंग भी मेरे पास है, सीओ का भी रिसीविंग मेरे पास है। तकरीबन आज 20-25 दिन होने को है, लेकिन अभी न एनएचआई का ध्यान है, न अंचलाधिकारी का ध्यान है। और समस्या इस बात की है कि आए दिन घटना जो है दस्तक दे रहा है। हाईवे रोड है, कभी भी घटना हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम लोग तो घटना के बाद पदाधिकारियों को पहचानना भी भूल जाएंगे, और क्या दशा और दिशा होगी उस टाइम, पदाधिकारियों पे क्या गुजरेगी, ये मैं बता दूंगा, लेकिन अभी बताना उचित नहीं है। उनके चेहरे पे कितनी कालिक पोती जाएगी, सीओ हो, वीडियो हो, एनएचआई पदाधिकारी हो, पब्लिक किसी की नहीं होती है। पब्लिक जब मारना शुरू करेगी तो भूल जाएंगे लोग। आखिर इतना क्रोध क्यों अधिकारियों के बीच? अभी तो मैं बताया आपको कि मैं रूलिंग पार्टी का शिवसागर प्रेसिडेंट हूँ, और प्रेसिडेंट होने के नाते लोगों ने मुझसे बहुत सारा शिकायत किया कि सीओ सिर्फ मोबाइल ही देखते रहते हैं, लोगों का कोई काम ही नहीं करते हैं। अब तो गंदे लफ्ज में अगर मैं इस्तेमाल करूँ, नहीं करूँगा, आप मीडिया के भाई हैं, मोबाइल देखना, एक पदाधिकारी का मोबाइल देखना ठीक है भाई, मोबाइल आपका जो भी स्क्रीन टच है वो नेटवर्किंग सिस्टम है, आप लोगों को संदेश मोबाइल पे मिलते रहता है, ईमेल आते रहता है, आप देखें। लेकिन जब जनता आपके पास जाती है तो फिर आप मोबाइल को ही अपने आँखों में चिपकाए रहते हैं, तो जनता की बात क्या सुनोगे? अभी आपने सुना, स्थानीय लोगों ने बताया कि यह जो जल जमाव की स्थिति है काफ़ी समय से है, और यहाँ के लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, भयभीत हैं, संक्रमण होने की भी शंका है। यहाँ के लोग जल जमाव से जूझ रहे हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने मीडिया दर्शन के साथ।